हेलो ऑल ऑफ यू, अस्सलाम वालेकुम। सो यहाँ पर आपके सामने तीन क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इन तीनों में सिर्फ एक काम ये करना है कि हमारे को ये बताना है ग्राफ को देखते हुए कि लेफ्ट एंड लिमिट किसको अप्रोच करेगी, राइट एंड लिमिट किसको अप्रोच करेगी, और उस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस चारों बातें हमें ग्राफ से देखने के बाद पता चल जाएगी, तो देखते हैं। तो यहाँ पर ये बुक है एचन टर्न की, तो पता ही है क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां पर देखा जाए तो हमें सबसे पहले यहां लिखा हुआ है किसको अप्रोच करना है, जीरो को। तो जीरो कहां पर है, ओरिजिन पर। इसका मतलब पहले हमें नेगेटिव साइन लगा हुआ, मतलब लेफ्ट से देखना है। तो अगर हम लेफ्ट से देखें, अगर हम यहां से आगे आते जाएं, एक्स की वैल्यू यहां से आते जाएं, जब जीरो पे पहुंचेंगे तो हमारे जीरो पे पहुंचने पर वाई की क्या वैल्यू आई, वाई की वैल्यू तो ये आई, ये जो पॉइंट है यहां पर आई, और इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3। इसका मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्रोच कर रहे हैं, जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारा फंक्शन है वो किसकी तरफ जा रहा है, 3 की तरफ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, 3 हो गई। अब जरा देखते हैं राइट से क्या होगा। जब हम राइट से फंक्शन को अप्रोच करते हुए जा रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो किसको अप्रोच कर रहा है, वो वापिस किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है। जीरो की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, 3 की तरफ। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई, दैट इज 3। तो जब दोनों ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो कितनी होगी, वो भी किसको अप्रोच कर रही होगी, वो भी 3 को ही अप्रोच कर रही होगी। तो ये आ गया 3। उसके बाद जी ऑफ 0, अब यहां लिमिट का कौन सा हटा दें। अब ये देखना जरूरी है कि जब हम एग्जैक्टली 0 पुट करते हैं, यहां पर 0 पुट करते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, वो भी क्या आ रही है, 3 ही आ रही है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे आंसर इसके क्या होगा, 3। ये तो बहुत आसान था, कोई भी समझ लेता, लेकिन असल कहानी यहां पर आएगी। यहां पर अगर देखें तो सबसे पहले सब में यही काम करना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच किसको करना है, 3 को। तो जैसे जैसे हमारा फंक्शन 3 की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा हूं, तो जैसे जैसे फंक्शन 3 की तरफ बढ़ता जा रहा है, देखें तो हमारा वाई किसकी तरफ जा रहा है, तो वाई हमारा किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को। और ये कौन सा 1 होगा, -1। तो ये हमारा किसको अप्रोच कर रहा है, -1 को। अब जरा चेक करते हैं ऊपर से। अब जैसे जैसे हम राइट से आ रहे हैं, तो हमारा फंक्शन जो है 3 की तरफ अप्रोच कर रहा था, और यहां पे हमारा जो फंक्शन है वो किसकी तरफ जा रहा है, 3 की तरफ। मतलब ये कि जैसे जैसे हम 3 की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा फंक्शन भी किसकी तरफ बढ़ रहा है, हमारा फंक्शन भी किसकी तरफ बढ़ रहा है, 3 की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इसकी लिमिट क्या आ गई, 3। क्लियर। अब जरा गौर करने वाली बात यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, -1, और ये जो मैंने सर्कल बनाया जिसके ऊपर खाली खाली जगह दिख रही है, इसका मतलब है वहां पर डिसकंटिन्यूटी आ रही है। क्लियर। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आई, राइट हैंड लिमिट क्या आई, 3। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अब बात करें कि एफ ऑफ 3 पे कितनी होगी, तो डायरेक्ट 3 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पर ये जो आपके सामने ये डॉट नजर आ रहा है, ये असल में वैल्यू होगी लिमिट को हटाने के बाद। एफ ऑफ 3 पे जो वैल्यू आएगी, जब हम 3 पुट करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या दे रहा है, वैल्यू क्या दे रहा है, 1। इसका मतलब एफ ऑफ 3 कितना आ गया, दैट इज 1। आज जरा तीसरे में देखते हैं। अब यहां पर वापिस वही लेफ्ट से देखते हैं, तो जब हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं 2 की तरफ, तो हमारा जो फंक्शन है वो भी किसकी तरफ जा रहा है, वो भी 2 की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं तो कहां जा रहा है हमारा फंक्शन, 2 की तरफ ही जा रहा है। अब जरा राइट से अप्रोच करते हैं, तो जैसे जैसे हम 2 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारा फंक्शन कहां को जा रहा है, हमारा फंक्शन तो एक्स एक्सिस पे आ गया। इसका मतलब यह है एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0। इसका मतलब जैसे जैसे हम 2 को अप्रोच करते जा रहे हैं, वाई कहां पर जा रहा है, वाई की वैल्यू 0 होती जा रही है। इसका मतलब राइट हैंड साइड से अप्रोच करने पे हमारा जो फंक्शन है वो 0 को जा रहा है। अब दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट किसको जा रही है, 2 को, और राइट हैंड लिमिट क्या है, 0। तो जिस वजह से उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहां भी क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर मैंने डार्क किया हुआ, इसका मतलब यह फंक्शन जब हम एफ ऑफ 2 निकालेंगे, तो f ऑफ 2 निकालेंगे तो ये जो बिल्कुल डार्क हुआ है, इसका मतलब ये कि जब हम f की वैल्यू 2 डाल रहे हैं तो फंक्शन क्या दे रहा है, फंक्शन हमारे को 2 दे रहा है। इसका मतलब f ऑफ 2 कितना हो गया, दैट इज
यहाँ जाके हमने इस तरीके से आपको और क्वेश्चन मिल जाएंगे बुक में, तो इसी तरीके से इसको फॉलो करेंगे और सारे क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।